हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपका एलईडी टीवी गुरु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो वीडियो लेके आया हूं वॉशिंग मशीन्स की। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो करेंगे, लाइव करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन यूज़ करनी चाहिए और एक वॉशिंग मशीन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है। आज के टाइम में हर एक बंदे की नीड्स है वॉशिंग मशीन सर्दी के टाइम में, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉशिंग मशीन के बारे में और मैं इसके बारे में लाइव वीडियो करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज को जो बताने जा रहा हूँ एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसके अंदर आपकी ऑल वॉशिंग नीड्स पूरी होती हैं और साथ में आपको उसके अंदर 40% लेस एनर्जी सेविंग भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ उस वॉशिंग मशीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है जो कि 11 kg की वॉशिंग मशीन है, 11 kg की वॉशिंग मशीन है, सैमसंग ने लॉन्च की है। इसके अंदर क्या है कि आपको जो मिलता है वो डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ में मिलता है, जो कि आपकी जो मोटर है वो ड्रम के साथ जुड़ी हुई है और इसके अंदर कोई बेल्ट नहीं है। इससे क्या है कि आपके हाई आरपीएम है, प्लस वाइब्रेशंस नहीं है, आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर 40% लेस एनर्जी सेविंग है, आपको लाइट बचाती है। उसके अलावा हम अगर इसके अंदर बात करें तो बहुत सारे एडिशनल फंक्शंस दिए हुए हैं और ये 11 kg की वॉशिंग मशीन है। प्लस ये आपको डिजिटल इंटर टेक्नोलॉजी के साथ में मशीन मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको डिजिटल इंटर टेक्नोलॉजी के साथ में मोटर मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 12 साल की वारंटी मिलती है मोटर के अंदर, अगर इसके अंदर आपकी जो मोटर है 12 ईयर्स में इसमें कवर है कंपनी की तरफ से। प्लस अगर हम इसके बात करें ड्रम के अंदर, तो ये 11 kg का इसका ड्रम है, ये 11 kg की वॉशिंग मशीन है। प्लस इसके अंदर आपको जो मिलता है, सबसे प्लस पॉइंट है कि ये वॉशिंग मशीन पूरी स्टील्स के अंदर है। इसके अंदर पल्सेटर भी आपका स्टील्स के अंदर दिए हुए हैं, अंदर 100% स्टील के अंदर है, स्टील स्टील पल्सेटर है। इसके अंदर क्या है कि आपको हाइजीनिक वॉश मिलती है। प्लस ये आपका मैजिक फिल्टर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जो आपके जब कपड़े धोते हैं तो डस्टिंग इसके अंदर फंस जाएगी, आप बाद में निकाल कर साफ कर सकते हो, इसके अंदर ये मैजिक फिल्टर है। अगर इसके एडिशनल फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको एक मैजिक डिस्पेंसर भी दिया गया हो, आप यहाँ पे देख रहे हो मैजिक डिस्पेंसर। वो क्या है कि इसके अंदर डिटर्जेंट हम डालते हैं तो पानी जो आता है उसके ऊपर डिटर्जेंट इसके अंदर होके आता है, तो इसके अंदर क्या पूरा घोल के भेजेगा, ये घूमेगा डिटर्जेंट पूरा घोलेगा, उससे क्या डिटर्जेंट आपको पूरा घुल के जाएगा, आपके कपड़े में वॉशिंग क्वालिटी अच्छी होगी, डायरेक्ट डिटर्जेंट आपका नीचे नहीं गिरेगा वाटर के साथ में। उसके अलावा ये आपका शॉर्पनर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसके अंदर फीचर्स की, एक एडिशनल फीचर तो इसके अंदर आप देख रहे होगे कि इस तरह से मैं कर रहा हूँ तो एक एक चीज़ लगी हुई है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको एक आपका जो एक्टिव वॉश सिंक दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई कपड़ा ज़्यादा कॉलर्स गंदी है तो आप यहाँ के अंदर उसको स्क्रब कर सकते हो, यहाँ पे आपको अलग से ही करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही आप स्क्रब कर सकते हो। तो इसके लिए ये 1 kg का आपको एक्स्ट्रा सिंक भी दिया हुआ है कि आप एक जगह ही खड़े होकर मशीन का पूरा काम कर रहे हो, तो 1 kg का एक सिंक दिया गया हुआ है, आप यूज करते हो, नहीं करते हो तो इसको अंदर इस तरह से आप कर सकते हो, लॉक लगा सकते हो, ठीक है। प्लस ये आपको 5-स्टार रेटिंग के अंदर वॉशिंग मशीन है। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की, तो ये आपको एज ए फुल ऑटोमेटिक एयर और एज ए अपन हिसाब से बटन आप चॉइस कर सकते हो। इसके अंदर समझिए, इसके अंदर अगर बात करते हो यहाँ पे पैनल की, तो ये पैनल दिया है, फ्रंट पैनल दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे पावर स्टार्ट ये फजी है। इसके अंदर 45 मिनट का है आपका मिक्स कपड़ों के लिए दिया हुआ है। क्विक वॉश है जो कि आप 15 मिनट में कपड़े वॉश कर सकते हो, जो आपके हाफ लोड है, कम कपड़े हैं आपके और आपके गंदे कम है, जैसे मान लीजिए COVID-19 चल रहा है तो इसके अंदर आप क्या करते हो, कपड़े पहनते हो मार्केट गए और घर आके उसको उतार देते हो, तो उनको ज़्यादा वॉशिंग क्वालिटी की नीड्स नहीं होती, बट आपको वो डिटर्जेंट निकालने साफ भी करने, क्योंकि आप बाहर घूम के आए हो, कितने बंदों को आपने टच किया या किस चीज़ों के हाथ लगाया है, तो आप उसको क्विक वॉश में डाल सकते हो। उसमें क्या है कि 15 मिनट में आपके जो कपड़े हैं वॉशिंग रिंसिंग स्पिन करके दे देगा। इसके बाद में इसके अंदर जींस का ऑप्शन अलग है, डेली कप का के लिए ऑप्शन अलग दिया हुआ है, सोकिंग का ऑप्शन अलग दिया है, एक्वा प्रेशर दिया हुआ है। एक्वा प्रेशर के अंदर नया फीचर है, इसके अंदर क्या है कि आपके एक्वा प्रेशर के अंदर आपका जो रिंसिंग के टाइम में आप पानी होल्ड कर सकते हो, इसके अंदर आप पानी को रीयूज कर सकते हो। इको टब क्लीन दिया हुआ है, आप सब कुछ काम करने के बाद अपने टब को क्लीन कर सकते हो।
सुपर क्लीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो आप सुपर क्लीन चॉइस कर लीजिए, इसमें आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे वॉश होंगे। यहाँ एज ए अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, पावर स्टार्ट अपने हिसाब से, वाटर लेवल ले सकते हो, प्लस वॉश रिंस स्पिन वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका पावर वॉश भी दिया हुआ है, अगर आपको पावर वॉश करना है, प्लस एक्टिव वॉश भी दिया है, अगर आपको पानी रियूज करना है वॉश वाला तो आप वाटर शेप के अंदर इसके अंदर डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पे पूरा पैनल दिया हुआ है। तो ये 11 केजी की वॉशिंग मशीन है, जो कि आपका एक्टिव वॉश प्लस एक सिंक हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में हो गया है, और बबल टेक्नोलॉजी हो गया है, जो कि इसके अंदर बबल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर दो पल्स हीटर एक्स्ट्रा दिए हैं ये वाले। ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट, प्लस ये अप एंड डाउन मूव करता है, इससे क्या है कपड़े आपके टेंगल्स नहीं होते, एक दूसरे को लसते नहीं है, और उसमें आपके रिंकल्स नहीं आते हैं। तो ये बबल पल्स हीटर इसके अंदर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी 11 केजी की वॉशिंग मशीन है जो सैमसंग ने लॉन्च की हुई है। एक फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या क्या होता है, एक फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर कितने कपड़े हम वॉश कर सकते हैं, और इसमें कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है, इन सारे सवालों के जवाब देने में आया हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की बनाई थी, और आज हम बात करने वाले हैं फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के बारे में। मैं आपका एलईडी टीवी गुरु, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर आपका एक बार स्वागत है, और आज हम आए न्यू वीडियो के साथ में। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग्स लगी हुई है, और आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के बारे के अंदर की, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, कौन कौन सी ब्रांड की आती है, और हमें कौन सी मशीन्स लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मशीन के बारे में। तो ये फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स लगी हुई है, इसके अंदर आपको मैनुअल कुछ नहीं करना, कपड़े आपको यहाँ पे डाल देने हैं, डिटर्जेंट कपड़े आपको सूखे यहाँ पे डाल देने हैं, डिटर्जेंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है, देन इसको बंद, वाटर से कनेक्ट आपको, जब आपकी मशीन इंस्टॉल होगी तो वाटर से कनेक्ट आपको इंजीनियर कंपनी वाला आएगा, वो करके जाएगा, देन पावर एंड स्टार्ट एंड नॉर्मल 45 मिनट के अंदर आपकी वॉशिंग रिंसिंग एंड स्पिन, कपड़ा आपका रेडी, कपड़ा निकाल के आप 5 मिनट की हवा धूप लगवाइए, कपड़ा आपका तैयार, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। ये तो होगा एक सरल लैंग्वेज में कि हाँ भाई फुल ऑटोमेटिक का आपको कुछ नहीं करना काम। अब इसके अलावा हम इसके अंदर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हम, ये तो मशीन अपने हिसाब से काम करेगी, और यहाँ पे हम अपने हिसाब से भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। दो तरह के इसके अंदर बटन्स होते हैं, एक बोलते हैं हम फुल ऑटोमेटिक, जिसके अंदर मशीन अपने हिसाब से टाइमिंग, अपने हिसाब से पानी, अपने हिसाब डिटर्जेंट सब कुछ लेती है, और ये बोलते हैं मैनुअल, जहाँ हम कमांड देंगे और मशीन हमारे हिसाब से यहाँ पे काम करेगी। ये पावर एंड स्टार्ट नॉर्मल, मतलब 45 मिनट में कपड़े आपके रेडी। अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो आप क्विक वॉश में भी डाल सकते हो, पावर स्टार्ट क्विक वॉश, इसके अंदर 5 मिनट वॉशिंग, 5 मिनट रिंसिंग एंड 5 मिनट स्पिन। जो हाफ लोड कपड़े, कम कपड़े हैं, उनको आप इसके अंदर 15 मिनट में क्विक वॉश के अंदर डाल सकते हो, राइट। अब बात होती है मैनुअल की। अब आपको लग रहा है कि हाँ मशीन ज्यादा टाइमिंग ले रही, ज्यादा पानी ले रही, तो पावर एंड स्टार्ट, वाटर लेवल अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, वॉश टाइम 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, रिंसिंग टाइम एक बार करे, दो बार करे, यहाँ पे मशीन रिंसिंग दो बार करती है, यहाँ पे अपने हिसाब से 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी करवा सकते हो आप, स्पिन टाइम 1 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, ये अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। उसके अलावा इसमें मानसून का ऑफर सैमसंग की मशीन में एक्स्ट्रा आता है, जो कपड़े एकदम बारिश आ जाती है, सूखे कपड़े आधे भीग जाते हैं, तो स्पेशल इसके अंदर आप स्पिन करा सकते हो, उसमें स्मेल भी रिमूव हो जाएगी, साथ में आपका कपड़ा क्लीन भी सूख भी जाएगा, राइट। ये हो गया है। अब इस मशीन के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, अदर्स ब्रांड के अकॉर्डिंग सैमसंग के अंदर क्या है, आपने डिटर्जेंट देखे होंगे, लाइक यही मशीन देख लीजिए, तो इसके डिटर्जेंट इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्ट डालते हैं पानी से, डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाता है, तो वो क्या है, जब मशीन मूव करती है तो जब मशीन स्पिन करते हैं उसके बाद में कपड़े में ब्लैक में व्हाइटनेस आ जाती है, बट इस मशीन के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सैमसंग की डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक्टिव वॉश प्लस बबल टेक्नोलॉजी के साथ में मशीन है, राइट, नोट कर लो, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक्टिव वॉश प्लस बबल टेक्नोलॉजी,
इसके अंदर डिटर्जेंट मैजिक डिस्पेंसर्स आता है, ये डिटर्जेंट को पूरा घोल के देती है नीचे, राइट। तो कोई भी जब सरफ घुल के जाएगा तो फंसेगा नहीं कपड़े में, कपड़े ज्यादा क्लीन होएगा। पहला, इसके अंदर आपको एक सिंक भी मिलता है। ये सिंक क्या यूज होता है, अब इसके अंदर कोई कॉलर बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है, तो मशीन में कई बार क्या होता है कि हम बाहर ब्रश लगाते हैं उसके अंदर, है कि भाई ब्रश लगा के मशीन पटक दे क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी है या कुछ काला पीला लग चुका है उसके अंदर कलर, वो मशीन में नहीं हट रहा है। तो उस कपड़े को हम यहाँ से निकाल के मशीन पोज करके यहाँ पे रगड़ दे सकते हैं। यहाँ पे एक आपका वाटर जेट दिया, बटन दबाओगे तो पानी यहाँ पे आ जाएगा और आप इसको उसको रगड़ सकते हो, रगड़ के कपड़े को यहाँ डाल सकते हो, राइट। तो इसमें एक तो आपको डिस्पेंसर एक्स्ट्रा है, साथ में ही आपका सिंक दिया है, प्लस पॉइंट। दूसरा, इसका जो पैनल वो फ्रंट पैनल के अंदर है। तीसरा, इसका जो ड्रम है, देखिए ड्रम देखिए, ये आपका इसके जो डायमंड ड्रम है होल्स बैक की तरफ है, कपड़े की स्क्रब अच्छी रहेगी, राइट। इसके अंदर ये बोलते हैं बबल टेक्नोलॉजी, दो पल्सेटर एक्स्ट्रा दिए हैं। ये क्या करते हैं, कपड़े को टेंगल फ्री करते हैं। जो कपड़े आपके उलझ के आते हैं, सरवटे आते हैं, एक दूसरे में उलझ के आते हैं ना, निकालते हैं, वो इसके अंदर कहीं हद तक नहीं होंगे क्योंकि बबल टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई सैमसंग मशीन के अंदर। अगर आपके कपड़े टेंगल आते हैं, आपको बहुत परेशान हो, तो सैमसंग की मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी क्योंकि इसके अंदर आपको बबल टेक्नोलॉजी मिलती है जो कपड़े को टेंगल फ्री करती है। साथ में ये जो मशीन है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसके अंदर पावर सेविंग करेगी, साथ में वाइब्रेशंस नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये 5 स्टार रेटिंग के अंदर आता है। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इसके अंदर जो वारंटी है वो 12 साल मोटर पे आती है, 3 साल 100% आपकी मशीन के अंदर आती है। पर्टिकुलर मैंने आपको एक ब्रांड का बता दिया है, इसलिए बताया क्योंकि सैमसंग की जो वॉशिंग मशीन है वो सबसे अलग है और सबसे अलग इसके अंदर फंक्शन, जो मैंने फंक्शन बताया वो किसी और मशीन के अंदर नहीं आता है, लाइक सिंक आपका एक्टिवो सिंक, मैजिक डिस्पेंसर, डायमंड ड्रम, बबल टेक्नोलॉजी जो कपड़े टेंगल फ्री करती है, वो कोई ब्रांड के अंदर नहीं आता है। आप फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की लेने की सोच रहे हो तो मार्केट जाके आप ले सकते हो। मैंने जो आपको बेस्ट मशीन है वो आपको मैंने आपको बता दी कि सैमसंग की सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन है फुल ऑटोमेटिक। वैसे तो अपनी अपनी चॉइस है सारी मशीन से, ऐसे नहीं कोई कोई मशीन खराब अच्छी है, बट इसके अंदर वो एक्स्ट्रा फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया है, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर आपको लगना नहीं पड़ता, सारा प्रोग्राम मशीन अपने आप ले लेती है। मैनुअल भी ले सकते हो और आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की, हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपका एलजी टीवी गुरु, थैंक यू सो मच। करो शुरू। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपका एलईडी टीवी गुरु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वॉशिंग मशीन, जो मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने वो भी वॉशिंग मशीन की बनाई थी, बट जो आज हम बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखो, वॉशिंग मशीन होती है 3 प्रकार की, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक, एक आती है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन और एक आती है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जो कि आप उधर देख रहे हो, ठीक है। वो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, इसके बाद में ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और एक ये आती है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, ठीक है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में मैंने भी जो लास्ट वीडियो थी उसके बारे में बता चुका हूँ और आज हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक के बारे में, और जब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी वो करूँगा फ्रंट लोडिंग के बारे में, ठीक है। तो हम सेमी ऑटोमेटिक के बारे में करते हैं कि इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, कौन सी अच्छी वॉशिंग मशीन होती है और इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। और कौन सी सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन आज के टाइम में चल रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ में और हम लाइव करते हैं वॉशिंग मशीन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन्स लगी हुई है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन कौन सी है, एडवांस फीचर कौन सा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ये सैमसंग की 8 kg वॉशिंग मशीन है, सैमसंग ब्रांड है, 8 kg वॉशिंग मशीन है, हम इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, ये इसका ड्रम है, 8 kg का ड्रम है और ये इसका स्पिनर है जो कपड़े को सुखाता है, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये इसका वॉशिंग टाइमर होता है जो कि सैमसंग ने दिया है, 42 मिनट का वॉशिंग टाइम दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा वॉशिंग टाइम दिया हुआ है, प्लस इसके अंदर शॉक का ऑप्शन दिया हुआ है।
अगर आपके कपड़े हार्ड है और आप भिगोने जाना चाहते हो तो आप 40 टाइम मिनट पर कर दीजिए आपके कपड़े। यहाँ पे सॉकिंग पे ऑप्शन पे यहाँ पे 5 मिनट तक सॉकिंग रहेगा, फिर आपकी ऑटोमेटिक आपकी वॉश टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सबसे ज़्यादा 42 मिनट का टाइम दिया है, प्लस इसके अंदर आपको अलार्म भी दिया हुआ है, अगर जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो यह बीप करेगा। उसके अलावा इसके अंदर वॉश सेलेक्टर दिया हुआ है कि आपके कपड़े डेलिकेट है, नॉर्मल है, हैवी है। डेलिकेट है तो डेलिकेट पे कर दीजिए, नॉर्मल मिक्स कपड़ों के लिए कर दीजिए, जींस है, ब्लैंकेट है, चद्दर है या कुछ भी कपड़ा है तो आप हैवी कर दीजिए। उसमें मशीन का जो ड्रम है वो रोटेशन ज़्यादा मारेगा, हैवी में ऐसे घूमता है वो ऐसे घूमेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका वॉश, रिंस और ड्रेन, ठीक है, ये यहाँ पे रखना है आपको वॉश के अंदर। जब आपके कपड़े वॉश हो जाए और आपको डिटर्जेंट का पानी बाहर निकालना है तो आप ड्रेन कर दीजिए। राइट, ये आपका स्पिन टाइमर दिया हुआ है जो कपड़े के हम सुखाते हैं यहाँ पे इस ड्रम में। यहाँ में हम कपड़े डाल दिए और उसके बाद में यहाँ पे हम स्पिन करते हैं। यहाँ पे आपका ये स्पिन टाइमर दिया हुआ है, आप कपड़े इसके अंदर सुखा सकते हो। वैसे 5 मिनट का स्पिन बहुत ज़्यादा होता है, आप 3 मिनट या 4 मिनट में कपड़े आपके सूख जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर टर्बो क्विक ड्राई सिस्टम दिया है। ये जब आपका स्पिन करता है ये मशीन तो आपके मतलब मशीन बाहर से भी आपका एयर लेता है, जिससे क्या है कि मॉइस्चर नहीं रहता कपड़ों के अंदर, बहुत कम रहता है, प्लस कपड़े बहुत अच्छे से इसके अंदर स्पिन्स होते हैं एयर टर्बो ड्राई सिस्टम के अंदर जो सैमसंग देता है। ठीक है, हम ये तो इसके जो चार नॉब्स हैं इसके बारे में हो गया है, अब हम करते हैं इसके अंदर ड्रम के। ये वॉश सेलेक्टर है, जब वॉश में आप यहाँ से पाइप लगाओगे, ये पाला पाइप आप जब लगाओगे तो यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दीजिए यहाँ पर, और ये आपके ठूटी में लग जाएगा यहाँ पे। राइट, जब आपको वॉश के पानी में ड्रम लेना है तो आप इस तरह से वॉश का टाइम सेट कर सकते हो और इसमें पानी आ जाएगा। और आपको स्पिन वाले में पानी लेना है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे आपका स्पिन में आपका पानी आ जाएगा। अब इसके अंदर फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये तीन पल्सेटर अल्स्टर दिए हैं, ये दो ये वाले पल्सेटर, ये क्या करते हैं जब कपड़े आपके ये ड्रम घूमता है एंटीक्लॉकवाइज आपका राइट एंड लेफ्ट घूमता है तो आपके ये पल्सेटर भी मूव करते हैं। क्या करते हैं, कपड़े को रिंकल्स और टेंगल फ्री करते हैं। क्या कि बहुत सारी सभी मशीनों के अंदर जो आप वॉश करते हैं तो कपड़े एक दूसरे को उलझ के आते हैं, इसके अंदर वो कहीं हद तक इसके अंदर वो नहीं आते, 70% तक इसके अंदर आपके कपड़े टेंगल्स नहीं होके नहीं आएंगे। राइट, इसके अलावा इसके अंदर मैजिक फिल्टर दिया है, जो कपड़े वॉशिंग करोगे वॉश और जब करेगी मशीन तो मिट्टी या डस्टिंग होती है वो जब कपड़े रोटेशन मारेगी तो इसके अंदर वो फंस जाएगी, अब बाद में निकाल के इसको ईजी क्लीन कर सकते हो, इसमें आपकी डस्टिंग फंस जाएगी। ठीक है, खोल के मिट्टी साफ निकाल दीजिए और साफ करके इसको वापस लगा दीजिए। ये डिजिटल मैजिक फिल्टर आपका फिल्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये आपका स्पिन्स का है, आप इसको जब कपड़े आप इसमें खंगाल के इसके अंदर पर रखोगे तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो इजी आपका। और स्पिन का जो सबसे जो प्लस पॉइंट है इस सैमसंग की वॉशिंग मशीन में, इसका जो 8 kg में स्पिन जो ड्रम है बहुत बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा आता है 8 kg का स्पिन ड्रम सैमसंग के अंदर, यह प्लस पॉइंट है 8 kg वॉशिंग के मंदिर के अंदर, आप इसको लगा के स्पिन कर सकते हो। इसका जो कलर है वो ब्लू नेवी कलर के साथ में दिया हुआ है, इसमें एक महरूम कलर आता है जो कि वो कलर रखा हुआ है, वो महरूम कलर है। दूसरा इसके अंदर ब्लू नेवी कलर से दिया हुआ है, जो कलर इसका कैप ढक्कन का है वही आपके नॉब्स का आपको दिया हुआ है। राइट, इसके अंदर एक पाइप ये आएगा जो आप इसको इनलेट में लगाओगे, और एक आएगा ड्रेन वाला जो कि आप बैक में लगा के जो वॉश का पानी होता है गंदा वो आप निकालने के लिए ड्रेन पाइप में लगा दोगे। राइट, तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो सैमसंग ने बनाई है 8 kg के बारे में। और सबसे जो हम आज के टाइम में सबसे बात होती है कि पावर कितना लेगा और स्टार रेटिंग कितनी है, तो उसके बारे में तो ये मशीन आपकी 5-star रेटिंग में 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5-star रेटिंग के अंदर ये वॉशिंग मशीन दी गई हुई है। सबसे कम पावर कंजेशन करेगी, वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी करेगी, वॉशिंग टाइम 42 मिनट का दिया है, प्लस सॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्पिन टाइम आपका दिया है, और एयर टर्बो क्विक ड्राई सिस्टम दिया हुआ है जो कि आपका बहुत जल्दी आपके कपड़े को स्पिन करेगी। हैवी बॉडी के अंदर ये दी हुई है वाली, नीचे भी आपकी बॉडी बहुत हैवी दी हुई है। राइट, तो 8 kg का सैमसंग का वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसके अंदर जो मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर अगर हम वारंटी की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5 ईयर की वारंटी दी गई हुई है। ठीक है,
इस पर लिखा हुआ है 5 साल की वॉश मोटर पे वारंटी है, अगर हम कंडीशन करेंगे तो 2 ईयर कंप्लीट वारंटी है और 5 साल आपकी पूरे मशीन पर वारंटी दी है। इस तरह से स्टिकर लगा हुआ है 5 ईयर वारंटी ऑन द मोटर, जो कंपनी रिटर्न में लिख कर दे रही हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें दो कलर आते हैं, क्या है नीवी नेवी है, एक ये मेहरूम कलर भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, साइज इसमें बहुत ज़्यादा है, 8 kg है, ये 7.5 kg है। इसके अलावा अगर आप 7 kg में बात करोगे तो 7 kg के अंदर, इसके अंदर जो लेटेस्ट मशीन आई है ये 7 kg के अंदर आई है। एक ये कलर है, एक ये कलर, ये भी 5-स्टार रेटिंग के अंदर है, प्लस 5 ईयर की वारंटी है। 7 kg बहुत से कलर्स आए हुए हैं, तो आप जाके बाय कर सकते हो, मार्केट में जाके बाय कर सकते हो ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन्स है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो, मेरा यूट्यूब चैनल सोल्यूशन सचिन में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लोग दोस्तों, आपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर आप घर के लिए लेते होगे, तो पहले रेफ्रिजरेटर आता है सिंगल डोर, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, और ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स है, और दूसरे हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो वो आते हैं आपका डबल डोर। तो ये वाला रेफ्रिजरेटर आपके डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स है। इन रेफ्रिजरेटर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है सिंगल डोर और डबल डोर रेफ्रिजरेटर के, मैं बता देता हूँ। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर एक ही डोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स है, तो इसके अंदर आपको एक ही डोर मिलेगा। तो सिंगल डोर में आपको एक ही डोर मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर आपका आई सेक्शन होगा और इसी के अंदर आपका वेजिटेबल सेक्शन होगा, और यहाँ पे आपका बोटल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आपका आई सेक्शन का हो गया और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स, ये बोटल्स के लिए। डबल डोर रेफ्रिजरेटर की बात करो तो इसके अंदर आपको 2 डोर मिलेंगे, एक ऊपर आइस का अलग होगा, ये आइस का अलग है, और साथ में नीचे आप जाओगे तो नीचे आपको ये आपका वेजिटेबल का अलग होगा। तो ये वाला आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हो गया। तो ये तो सारे बेसिक फीचर्स हैं जो कि मैंने आपको अभी तक बताए हुए हैं, ये सबको पता है सिंगल डोर डबल डोर क्या होता है, फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस के लिए बता दिया है। अब जानना ये है कि नया क्या आया हुआ है। ठीक है, सिंगल डोर ये है, डबल डोर ये है, तो सिंगल डोर में नया क्या आया हुआ। तो सिंगल डोर में क्या है कि जब भी आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो आप अंदर से करोगे, यहाँ से करना होता है आपका। तो आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑन्स का है, और ये आपका सर्दी मानसून गर्मी सबको टेम्परेचर यहाँ है। जब आपके एस्टा बर्फ जम जाती है तो आपको डिफ्रॉस्टिंग के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन दिया है, आप डिफ्रॉस्टिंग यहाँ से करते हो, राइट, ये डिफ्रॉस्टिंग के लिए दिया हुआ है। बट अभी क्या है कि सैमसंग ने एक रिसेंटली रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया है कि आप टेम्परेचर बाहर से कंट्रोल कर सकते, उसी के बारे में ये वीडियो है। ये वाला वो रेफ्रिजरेटर है जिसका टेम्परेचर आप बाहर से मेंटेन कर सकते हो सारा। ठीक है, तो अब वो कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये डीडी टच कंट्रोल आपका रेफ्रिजरेटर है जो स्टाइलिश है, और आपका एनर्जी सेविंग रेफ्रिजरेटर्स है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये बटन कुछ टच दिए हैं, इको मोड दिया हुआ है, डिफ्रॉस्ट दिया है, पावर कूल, और ये सारे ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब ये ऑन होगा तो इस तरह से है। ठीक है, आप यहाँ से टेम्परेचर इसका कंट्रोल कर सकते हो। अभी रेफ्रिजरेटर आपका ऑन है, ये देखिए, तो इसका अंदर का जो इंटीरियर है वहाँ पे आपका कोई भी वो नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ से नहीं होगा। डीडी टच कंट्रोल जो रेफ्रिजरेटर है ये वाला, तो इसके अंदर आपका टेम्परेचर यहाँ से दिया हुआ है। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे जब आपको, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो यहाँ पे विंटर पे है। ठीक है, तो अब सिंपल है, इसके अंदर आपको अगर मानसून पे करना है तो आप मानसून पे यहाँ कर सकते हो, और अगर आपको समर पे करना है तो समर पे यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डिफ्रॉस्ट का मोड दिया हुआ है, ये डिफ्रॉस्ट के लिए दिया हुआ है, ये डिफ्रॉस्ट के, आपको डिफ्रॉस्ट करना है तो आप यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है, ये आपका डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिफ्रॉस्टिंग हो गई है। अगर आपको इको मोड ऑप्शन दिया है, इको मोड पे डालना है। इको मोड पे बेसिकली पावर सेविंग, आपकी 1-स्टार रेटिंग और बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से किसके अंदर आपको टच दिया है, बाहर से ऑपरेटिंग कर सकते हो इसका। ये डिफ्रॉस्ट का बेनिफिट ये है कि आपको जब चाहे डिफ्रॉस्ट कर सकते हो और जब चाहे आप इसको डिफ्रॉस्टिंग रोक सकते हो। और जो नॉन डी टच कंट्रोल रेफ्रिजरेटर आते हैं उनके अंदर डिफ्रॉस्टिंग आप बीच में नहीं रोक सकते, तो इसमें ये आपका बेनिफिट होगा। साथ में ये 3-स्टार रेटिंग के अंदर आएगा आपका,
और ये 163 यूनिट इसकी एक साल की है, ठीक है। और 2022 का लेटेस्ट मॉडल है, RR21 से 2x2 YDS का मॉडल नंबर है। बात करेंगे और फीचर की तो 10 साल इसकी 10 ईयर वारंटी इन डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड कंप्रेसर, ठीक है। उसके अलावा आप इसको कनेक्ट इन्वर्टर रन्स होम इन्वर्टर कंजेशन लेस पावर 2 CFL बल्ब्स तो लाइट खाएगा, साथ में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है 100 से 300 वोल्ट और 21 साल तक इसका BDA सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये रेफ्रिजरेटर्स है जो कि डिटच कंट्रोल अभी सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। और साथ में ये बैक एंड क्लीन होगा, पीछे से आपके ऐसे कोई जाल वाल ओपन नहीं होगा, इसका कवर्ड है, सेफ है और आधे से क्लीन कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं डबल डोर के अंदर। तो डबल डोर के अंदर एक आपको बाहर टच कंट्रोल मिलेगा और एक विदाउट टच कंट्रोल, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपका भी ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर से होगा, ये पावर फ्यूज और ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। अगर आप ये वाला लेते हो तो इसको बोलते हैं हम मैकलाइफ इन कन्वर्टेबल 3N, ये भी सैमसंग ने लॉन्च किया है। बेसिकली इस सेक्शन को आप जो ये वाला आइस का वाला सेक्शन है इसको कन्वर्ट कर सकते हो वेजिटेबल में, मतलब इसको भी यूज कर सकते हो एज ए वेजिटेबल और आप इसमें भी सब्जी दूध रख सकते हो, जमेगा नहीं। सर्दियों में 3 महीना बहुत यूज आता है, ठीक है। तो कन्वर्टर फ्रिज है, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करना 3 सेकंड के लिए, ये आइस से कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में ये कड मास्ट्रो भी है, इसमें एक कड मास्ट्रो दिया है तो आप इसके अंदर अकड मास्टर में क्या है कि आप इसके अंदर दही जमा सकते हो और इसके आपको दूध डाल के खट्टा डाल के और इसको यहाँ से ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट चाहिए या आपको थिक चाहिए, तो आपको सॉफ्ट चाहिए 6.5 घंटे, थिक चाहिए 7.5 घंटे में आप सर्व पे कर दीजिए जब इसका रेडी हो जाएगा, और उसके बाद में आप 3 दिन तक खा सकते हो। तो इसके अंदर आपको वो बिल्कुल जो घर वाला टेस्ट हलवाई वाला टेस्ट होता है पूरा वही मिलेगा, जैसे हलवाई जम आता है बिल्कुल वो थिक एंड दही, वो पूरा टेस्ट मिलेगा। 3 दिन तक आप इसके अंदर खा सकते हो, टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो दोनों का, ठीक है। तो ये कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर की बात करोगे तो अप टू 15 डेज तक फुल फ्रेशनेस आएगी। 5 स्मार्ट सेंसर इसके अंदर दिए गए हुए हैं, डोर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, 48 एनर्जी सेविंग है क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर है इसका, तो 31 फास्ट आइसिंग मेकिंग है और आप इसको होम इन्वर्टर पर भी चला सकते हो। ये भी आपका 3-स्टार रेटिंग के अंदर आता है, 10 साल इसकी वारंटी है कंप्रेसर की। कनेक्टेड इन्वर्टर रन्स एवं हॉर्न इन्वर्टर्स कंज्यूमर लेस पावर 2 CFL बल्ब्स, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस होता है, 100 से 300 वोल्ट कंट्रोल करता है, 21 साल की इसमें आपको टेस्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको कन्वर्टेबल 3-in-1 हो गया सैमसंग का, नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल में। ये आपका LG का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स है। LG का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बात करोगे तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अंदर से ही आएगा, ठीक है ये। और साथ में ही इसमें जो वायरिंग है वो आपकी ओपन वायरिंग आएगी, बाकी आप इसमें भी आपका 5-स्टार रेटिंग 3-स्टार मिल जाएगा। 5-स्टार की यूनिट 104 है, इसमें भी आपको फ्री स्टेबलाइजर है, 90 से 310 वोल्ट इसमें आपको स्टेबलाइजर मिल जाएगा LG के अंदर, ठीक है। तो सिंगल डोर अगर LG की बात करोगे तो इस तरह से आएंगे। अगर आप वर्लपूल का देखना चाहोगे, ये वर्लपूल का आपका सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, जैसे कि ये 2-स्टार का है, तो 2-स्टार आप लेते हो तो आपको 203 यूनिट आएगी, इसमें 10 साल वारंटी है और आप इसको होम इन्वर्टर से भी चला सकते हो इसके अंदर। ये इसका अंदर का इंटीरियर होगा, इसमें भी आपकी ओपन वायरिंग आएगी वर्लपूल के अंदर, ठीक है, बैक क्लीन के अंदर, और ये आपका इंटीरियर होगा। तो आप आ जाते हैं डबल डोर के ऊपर। ये डबल डोर आपका वर्लपूल का है, देख लीजिए आप, ये भी कन्वर्टेबल फ्रिज है वर्लपूल का, लिखता है कन्वर्टेबल फ्रीजर 5-in-1 मोड्स, ठीक है। बट इसका टेम्परेचर आप बाहर से ही इसका अंदर कन्वर्ट मोड कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऑल सीजन मोड है और इसके अंदर आपका चीप मोड दिया हुआ, डिफ्रॉस्ट मोड है एंड पार्टी मोड है एंड डिफ्रीजर मोड है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो कन्वर्ट है वो सैमसंग की तरह नहीं करता है, वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर जो वो सैमसंग का जो रेफ्रिजरेटर्स है वो आप उसको ऑल टाइम कभी कन्वर्ट कर सकते हो, इसके अंदर 2 से 3 घंटे के लिए ही कन्वर्ट होता है ओनली। ये इसका इंटीरियर बाहर का है और इसका टेम्परेचर बाहर से दिया हुआ है मिनी एंड नॉर्मल एंड डिफ्रीजर्स के लिए, ठीक है। अगर आप LG के रेफ्रिजरेटर की बात करो कन्वर्टेबल की तो वही बता देता हूँ आप, ये LG का रेफ्रिजरेटर्स है, ये भी कन्वर्टेबल है बट इसका कन्वर्टेबल ऑप्शन अंदर से दिया हुआ है इन्होंने, सबसे ये करा है। कन्वर्ट करना है तो आपको अंदर झुक के
और यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट सामान हटा के तब कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका टेम्परेचर बाहर, वो जो बाहर से ऑपरेटिंग नहीं, अब इसको पहले सामान खलाना हटाना पड़ेगा, फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका इंटीरियर है बाहर से, टेम्परेचर। इसकी फीचर्स की बात करोगे, 10 साल की इन्वर्टर वारंटी है, 2-star rate के अंदर 258 यूनिट है, ऑटो स्मार्ट कनेक्ट है, आप इसको 100 से 302 वोल्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और स्मार्ट डायग्नोस्टिक है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर मोबाइल से कॉल करके सर्विस सेंटर इसकी एक बीप सुना के आप इसको वो बता देगा इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसमें एक्स्ट्रा ये है। तो कन्वर्टेबल सिस्टम है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से नहीं है, LG वाले में कुछ मॉडल में भी आ रहे हैं बाहर से, ऐसा नहीं है, LG ने भी लॉन्च किए हैं अभी बाहर से ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, बट इन मॉडल के अंदर नहीं है जो पहले इन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट कमेंट किसका आया है मेरी वीडियो पर, यह है सुशांत। सुशांत जी लिखते हैं कि ब्रदर मेरा वीवो 73 मोबाइल सैमसंग का LED T4350 32 के साथ कैसे कनेक्ट करूँगा। तो सुशांत जी, सबसे पहले जो आपने जिस वीडियो पर कमेंट किया है उसका टाइटल है हाउ टू कनेक्ट वीवो Y21e मोबाइल कनेक्ट टू स्मार्ट LED TV, तो उसमें सिंपल तरीका से मैंने सैमसंग टीवी को ही कवर किया हुआ है, और वीवो की जो Y21 की जो सेटिंग है डिटो आपकी Y73 की सेटिंग है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सेम चीज़ फॉलो कीजिए और आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी जो वीवो Y73 की जो पिक्चर्स, वीडियो, MP3 सब कुछ आप अपनी टीवी पे शेयर कर पाओगे, और सैमसंग का जो 4350 मॉडल है उस टीवी में आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, टीवी डायरेक्ट आपका स्क्रीन मिररिंग हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कमेंट पसंद आएगा, प्लीज़ ऐसे कमेंट करते रहिए, रिप्लाई मिलेगा आपको हर वीडियो हर कमेंट का। अभी नेक्स्ट कमेंट किया है अरब कुमार। अरब कुमार जी मेरी वीडियो पर जिसका टाइटल है हाउ कैन यू इम्प्रूव पिक्चर्स क्वालिटी ऑन माई LED TV, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया मेरा टीवी LG में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बाहर जाता है एंड स्टैंडर्ड पर पिक्चर मोड व्यूड हो जाता है। तो अरब कुमार जी देखो, आपने जो वीडियो पर कमेंट किया बेसिकली वो पूरी वीडियो ही पिक्चर क्वालिटी को लेकर है, और उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर से बताई है, जब भी आपकी पिक्चर क्वालिटी की जो कलर्स हैं, कंट्रास्ट हैं, अगर वो ऊपर नीचे होते हैं, मतलब सेटिंग ख़राब हो जाती है या आपसे सेटिंग उनकी ख़राब हो जाती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको ना पिक्चर्स रीसेट करनी है। मैंने बताया आप पिक्चर्स जो सेटिंग है उसको रीसेट कर लीजिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से कलर्स आए वो हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं चैनल पैलेटिव को सर्च। अब आ चुके हैं कमेंट एंड मेंटेनेंस में। मैं आपका LED TV गुरु, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, और अब हम सब कमेंट का रिप्लाई करने लगे हैं एक मिनट की वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, आज जो हमने कमेंट लिया है वो लिया है बिमलेश चौहान का, और ये मेरी वीडियो पे लिखती है कि सर हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा पढ़ना का टीवी में ब्लूटूथ ऑन करिए और वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो सबसे पहले मैं बिमलेश चौहान जी से पूछना चाहूंगा कि आप दोबारा कमेंट कीजिए और लिख के बताइए कि ये पढ़ना का टीवी, पहले तो सबसे पहले आप अपना LED TV का मॉडल नंबर या फिर ब्रांड बता दीजिए, जिससे मैं आपकी उसकी वीडियो बनाकर मैं चैनल पर डाल सकूं, आपको लिंक सेंड कर सकूं। ठीक है, जब तक आप ब्रांड का नाम नहीं बताओगे कौन से टीवी के मैं ब्लूटूथ समझा सकता हूं, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो प्लीज आप इस पे दोबारा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल YouTube LED TV गुरु में आपका स्वागत है, और आ चुके आज हम चैनल कमेंट एंड मेंटेनेंस में। अब हम हर कमेंट का रिप्लाई करने लगे हैं अपने एक मिनट की वीडियो द्वारा। मेरा चैनल है YouTube पे LED TV गुरु, और आज जो हमने कमेंट लिया है वो है लिया है सुशील कुमार जी का। सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि मुझे 2 बार कनेक्ट करना पड़ता है क्यों, और ये हाउ टू कनेक्ट रेडमी नोट 11 प्रो प्लस मोबाइल टू स्मार्ट टीवी। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है मेरे LED TV गुरु चैनल के ऊपर कि हम नोट 11 प्रो मोबाइल को अपनी टीवी से कनेक्ट कैसे करें। तो उसमें सुशील कुमार जी हैं जो कमेंट किया है कि मुझे 2 बार कनेक्ट पड़ता है क्यों, तो उसका मैं बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि एरर आ जाता है, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी होती है विदाउट वायर, ये होती है वाईफाई डायरेक्ट के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें वायर रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो आप प्लीज मोबाइल को रीसेट कर लीजिए, एक बार टीवी को रीसेट कर लीजिए, आपका कनेक्ट ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कौन है, ये है बबलू मोहन दास।
तो बबलू मोहनदास जी मेरे की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, जो है व्हाट इज़ द डिफरेंट 4K BU 8000 वर्सेस 8570, ये पूछ रहे हैं। इस मॉडल पर सोनी लिव्स हॉटस्टार G5 कैसे डाउनलोड करें? तो मैं बता देता हूँ बबलू दास मोहनदास जी, आप जाके यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप LETV गुरु यूट्यूब चैनल जो कि आप मेरे इस पे कमेंट कर रहे हो वीडियो पे, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है, कि सैमसंग LETV पे एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करें। पर्टिकुलर वीडियो बनाकर मैंने डाली है, और हाँ इसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन है जो कि हॉटस्टार है, G5 है, सोनी लिव है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ बना के आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू बबलू मोहनदास जी कमेंट करने के।